नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यस, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक ऐसा चैप्टर, इसको हम बोल सकते हैं कि एवरी टाइम आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में और साथ ही साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये टॉपिक जो है वो हर बार पूछा ही जाता है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में मेजर मेजर टर्म्स की, तो मैंने अपने सारे सभी कोर्सेज में बेसिक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है ताकि आपका सिलेबस जो है वो जल्दी से जल्दी कवर हो सके। सो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लिपिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज द क्लिपिंग, सभी को क्लियर दिख रहा है? ओके, अब दिख रहा है क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिपिंग की। तो क्लिपिंग बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्लिपिंग क्यों की जाती है? क्लिपिंग इसलिए होती है कि सपोज कोई भी हमें फाइन ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट फाइन ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो देखने में अच्छा लगे। तो अगर वो कोई भी इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट उस लाइन से बाहर है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक फाइन इमेज चाहिए, एक फाइन ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसी को हम बोलते हैं कि हमने उसको क्लिप कर दिया। ठीक है, तो क्लिपिंग में बेसिकली बहुत तरीके की क्लिपिंग होती है। तो क्लिपिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई लाइन क्लिपिंग करते हैं, पॉइंट क्लिपिंग हो जाती है, सेगमेंट्स को रिमूव करते हैं जो भी व्यूइंग प्लेन से होते हैं उनको। तो बेसिकली यही एक क्लिपिंग प्रोसीजर कहलाती है। तो पॉइंट क्लिपिंग देखिए, पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है और इस पॉइंट को हमें क्लिप करना है, तो इस पॉइंट को हम क्लिप करेंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई ये पॉइंट है और अगर ये पॉइंट इस रीजन के बियॉन्ड है तो हम इसको क्लिप कर लेंगे। नाउ लाइन क्लिपिंग में आज हम पढ़ेंगे कोहन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। क्यों? क्योंकि ये हर बार आती है, हर बार एग्जाम में पूछी जा रही है, चाहे आपके सेमेस्टर बीटेक के एग्जाम हो या फिर अगर आप एमटेक वगैरह में ये सिलेबस में ले रहे हो कोर्स में, तो ये थ्योरम बहुत बार आ चुकी है और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी ये काफी बार पूछी जाती है। तो कोहेन सुदरलैंड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही ये लाइन क्लिपिंग की एल्गोरिथम जो है वो इन्वेंट की थी, तो उन्हीं के नाम पे ये कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम नेम पड़ गया। अब इस एल्गोरिथम में होता क्या है? इस एल्गोरिथम में बेसिकली हम एक विंडो किसको कहते हैं, विंडो इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन। उस रीजन को हम डिफरेंट कैटेगरी सेगमेंट्स में डिफरेंशिएट कर लेते हैं और उस डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू निकालते हैं और वाई एक्सिस के रिगार्डिंग हम मिन और मैक्स वैल्यू निकालते हैं। फिर देखते हैं कि उसकी मिन वैल्यू उसकी मैक्स से ज्यादा है या y वाले की मिन वैल्यू y वाले मैक्स से ज्यादा है और हम लाइन को क्लिप कर देते हैं। तो इसकी एल्गोरिथम जो है कुछ इस तरीके की, देखिए ये एक विंडो है, दिख रही है आप सभी को विंडो? ओके, दिस इज विंडो एंड इस विंडो में देखिए क्या है, सबसे पहले एक विंडो है और इस विंडो के देखिए ये है मेन सेंटर ऑफ द विंडो। अब यहाँ पे ये 000 ये 4 ये क्या लिखा हुआ है, अभी मैं समझाऊंगी कैसे लिखा हुआ है। तो इसका जैसे मतलब होता है 0 0 0 0, ये चार भाग में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि फोर पार्ट्स में हम एल्गोरिथम को बांटते हैं, पहला है टॉप, देन सेकेंड वन इज बॉटम, देन राइट एंड लेफ्ट वन। तो ये चार है, चार डायरेक्शंस को ये डिनोट कर रहा है, टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट। अब इसकी वैल्यू जो देखिए, सबसे पहले वैल्यू है उसकी वैल्यू है टॉप, यानी टॉप भी यहाँ पे मिडिल वन में इसलिए जीरो लिख दिया है। देन बॉटम, तो बॉटम की वैल्यू देखिए यहाँ पे बॉटम की वैल्यू क्या है, दैट इज आल्सो जीरो क्योंकि सेंटर की वैल्यू है इसलिए जीरो हो गई, दिस इज जीरो। राइट ये भी जीरो है एंड लेफ्ट वन इज जीरो, तो मतलब चार जीरो से मतलब है कि ये कोई इमेज है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपने सेंटर में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए सारे जीरो है बट ये लेफ्ट है, तो ये इसकी वैल्यू से पता लग गया कि ये लेफ्ट की इमेज है। ओके, इसी तरीके से देखिए इसके राइट साइड में, राइट में देखिए वन है, बाकी सारी जगह जीरो जीरो है, तो इसका मतलब हम समझ गए
कि ये सारे हैं क्या है राइट कॉर्नर में इमेज का सेक्शन है, एक सेगमेंट है जो कि राइट में है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम टॉप पे चलते हैं, आप देखिए यहाँ पे एक टॉप में वन है और एक लेफ्ट में वन है, तो इसका मतलब ये टॉप लेफ्ट ऑब्जेक्ट हो गया, टॉप लेफ्ट सेगमेंट हो गया जो कि टॉप लेफ्ट में है सिचुएटेड। देन उसके बाद हम आते हैं बॉटम, अब यहाँ देखिए टॉप की जगह तो जीरो है, इससे पहचान लेंगे वन, तो ये हो गया आपका बॉटम, देन लेफ्ट, तो बॉटम लेफ्ट सिचुएटेड है ये ऑब्जेक्ट। देन यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे देखिए बॉटम है एंड उसके बाद आपका कोई भी चीज नहीं, तो ये बॉटम के सेंटर में है, बात समझ में आ गई। एंड दिस इज टॉप सेंटर, सो ठीक है, एंड दिस इज टॉप राइट कॉर्नर एंड दिस इज द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड दिस इज द राइट कॉर्नर एंड द लेफ्ट वन, ओके। तो इस तरीके से हम लाइन को क्लिप करेंगे, लाइन को क्लिप करने के लिए बेसिकली थ्री पॉसिबिलिटीज बनाई गई। सबसे पहले लाइन जो है वो या तो कम्प्लीटली अंदर होगी, कैसे अंदर होगी, जैसे यहाँ पे देखिए ये इमेज है, ये लाइन जो है ये वाली लाइन, दिस वन इज कम्प्लीटली इनसाइड, ठीक है, या फिर ये कम्प्लीटली आउटसाइड होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये कम्प्लीटली आउटसाइड होगी, कम्प्लीटली आउटसाइड का मतलब है कि पूरी तरह बाहर होगी रीजन से, जैसे ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। एंड अगर फिर तीसरी पॉसिबिलिटी है कि या तो ये पार्शियली इनसाइड होगी, पार्शियली इनसाइड का मतलब हो गया या तो ये कुछ बाहर है और कुछ अंदर है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पार्शियली इनसाइड लाइन। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम की बात करेंगे, तो एल्गोरिथम क्या कहती है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें रीजन को असाइन करना है ईच एंड पॉइंट से, रीजन को असाइन करना है ईच एंड पॉइंट से, देन आफ्टर दैट इफ बोथ एंड पॉइंट्स हैव अ रीजन कोड 00 देन एक्सेप्ट दिस लाइन, अगर दोनों एंड पॉइंट रीजन के 00 है, मतलब क्या है 00 से मतलब क्या आ गया है कि इसके अंदर हो गई कंप्लीटली इनसाइड हो गई लाइन, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। स्टेप थ्री क्या कह रहा है, अगर नहीं तो उनके बीच में एंड ऑपरेशन करा लेंगे, एंड ऑपरेशन अभी मैं बताती हूँ कैसे होता है, ठीक है। अगर रिजल्ट में 00 नहीं आ रहा है तो लाइन को रिजेक्ट कर दो, यानी ये लाइन जो है वो कंप्लीटली क्या हो गई आउटसाइड दी पर्टिकुलर रीजन, अब इसके अंदर हमको अगर रीजन मिल जाएगी तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो हम एंड ऑपरेशन कर देंगे, एंड ऑपरेशन करने पे भी नहीं मिलेगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, बात समझ में आ गई, ओके। देन थर्ड स्टेप 3.2 क्या कहता है कि अगर नहीं होता है तो हम इसको क्लिप कर देंगे, क्लिप करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों एंड पॉइंट को चूज कर लेंगे जहां से वो आउटसाइड है, जैसे यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल में ये लाइन देखिए, यहां से ये आउटसाइड जा रही है, इस रीजन से टच कर रही है एंड दिस वन इज, ठीक है, तो इन दोनों को हमें क्लिप करना है, तो क्लिप करने के लिए मेथड देखिए बता रहे हैं इसमें कि हम उनके बीच का इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो भी बाउंड्री रीजन कोड से निकाल रहे हैं उनके बीच का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू निकालेंगे, सपोज ये लाइन क्लिप कर रही है तो यहां से टच कर रही है एंड यहां से टच कर रही है, तो हम इसका कॉमन निकाल लेंगे। अब इसमें कॉमन देखिए क्या है, इंटरसेक्शन किया अगर हमने इस वाले का और नीचे इस वाले का, तो क्या इंटरसेक्शन कॉमन है, नहीं है, तो हम सिंपली इसको क्लिप कर देंगे, बात समझ में आ रही है। देन रिप्लेस एंड पॉइंट विद द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड अपडेट द रीजन पॉइंट, नहीं है तो हम उसको एंड पॉइंट्स को क्या कर देंगे, एंड पॉइंट्स को अपडेट कर देंगे, और जब तक कि क्लिप कर देंगे जब तक कि ट्राइवली एक्सेप्टेड और ट्राइवली रिजेक्टेड ना हो जाए। ट्राइवली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड का मतलब यही है कि जो पॉसिबिलिटी है, ये लाइंस की थ्री पॉसिबिलिटी है, ये अगर तीनों में से कोई एक भी हमको मिल जा रहा है तो हम ये बोल देंगे कि वो लाइन जो है वो ट्राइवली एक्सेप्टेड हो गई है या फिर ट्राइवली रिजेक्टेड हो गई है, ओके। सो ये कोहेन सुदरलैंड की एल्गोरिथम थी, आई होप मैंने बहुत आसान तरीके से आपको एल्गोरिथम भी समझा दी, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और अभी तक अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं पेपर 2 कंप्यूटर साइंस नेट के लिए प्रिपेयर करा रही हूँ, यहाँ मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में आपको अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है पेपर 2 कंप्यूटर ग्राफिक्स का वो कवर करने की कोशिश की है, और भी मेरे लेसन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे और अन अकेडमी पे भी अवेलेबल है,
तो वहां पे जाके लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां पे जाके उसको देख लीजिएगा, तो सभी कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, हैव अ नाइस डे, स्टे मॉइस्ट, स्टे सेफ, बाय बाय।